बल्कि ये बोलते हैं कि जब मैं वेट लिफ्टिंग वगैरह की वीडियो वो देखती हैं मेरी या मेरी हार्ड ट्रेनिंग वो देखती हैं तो मुझे ये बोलते हैं कि बेटा थोड़ा कम वेट उठा लिया। मैं बोलता हूँ कि माँ ऐसी बात नहीं है, अगर मैं कम उठाऊंगा तो फिर ज्यादा दूसरे वाले ज्यादा उठा लेंगे, फिर वो ज्यादा दूर फेंक देंगे। डिस्टेंस काफी मुझे लग रहा था कि हाँ डिस्टेंस कवर कर सकता हूँ, और जिस हिसाब से हम देखेंगे तो जो दोनों थ्रो जो मैंने पेरिस में की, क्वालिफिकेशन राउंड में भी और फाइनल में भी, दोनों ही मेरी सेकेंड और थर्ड बेस्ट थ्रो थी और सीजन बेस्ट भी हुई, तो ऐसी बात नहीं है, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन हाँ, अभी डिस्टेंस बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो मैं वही बोलना चाहूँगा कि मुझे इंजरी फ्री रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे माइंड में जब भी मैं थ्रो करने जाता हूँ मैं अपने माइंड में पूरा ये सोच के जाता हूँ कि मुझे 100% देना है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से, क्योंकि काफ़ी टाइम से इंजरी चल रही है, तो मैं अपना दे नहीं पाता 100%। वो कहीं ना कहीं मेरा माइंड या बॉडी मुझे रोक लेता है कि हाँ उतना एफर्ट नहीं लगाना, या जैसे जो भी जितना हमको लगाना चाहिए बिना कोई मन में विचार आए। मेडल का कोई कंपेयर हो ही नहीं सकता गोल्ड के साथ, कोई सिल्वर या ब्रॉन्ज, मतलब किसी मेडल का कंपैरिजन नहीं है। डिपेंड करता है कि आपने किस सिचुएशन में जीता है, कहाँ जीता है। मतलब गोल्ड तो गोल्ड है, उस फ्लैग लेके ट्रैक का लैप लगाना और अपनी कंट्री के लिए वो फील करना कि हाँ मैंने कुछ जीता है, तो वो फील तो है ही। लेकिन पर हाँ, गोल्ड मेडल में सबसे अच्छी बात वही लगती है कि नेशनल एंथम वहाँ पे बजता है, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। और गोल्ड मेडल तो फिर किसी मेडल का हम कंपेरिजन तो कर नहीं सकते। मुझे 1% भी ऐसा नहीं लगा कि नहीं हो सकती, भले ही मतलब किसी को कैसा भी लगे, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि जेवलिन में 3-4 मीटर बढ़ना, सही से हिट हो जेवलिन, कोई ऐसी बात नहीं है, बढ़ जाती है। उतना पुश नहीं कर सका, मेंटली मैं रेडी था लेकिन फिजिकली कहीं ना कहीं मैं रोक रहा था खुद को। जो लेग वर्क होना चाहिए रनवे में वो इतना अच्छा नहीं था, और उसको बचाने के लिए मैं काफ़ी एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहा लेकिन उतना एफर्ट लग नहीं पा रहा था। जो लोजान डायमंड लीग है उसमें भी पार्टिसिपेट करें, वो 22 को होने वाली है, तो अभी काफी सही लग रहा है, देखते हैं। बाकी मेरी माँ से मैं बहुत ही कम मिल पाता हूँ, लेकिन मैं बात करता हूँ या जब भी जितनी बात होती हैं उनकी बहुत ही सिंपल बात रहती हैं वो, तो बल्कि ये बोलते हैं कि जब मैं वेट लिफ्टिंग वगैरह की वीडियो वो देखती हैं मेरी या मेरी हार्ड ट्रेनिंग वो देखती हैं, तो मुझे ये बोलते हैं कि बेटा थोड़ा कम वेट उठा लिया कर, थोड़ा कम कर लिया, क्योंकि उनको लगता है कि ज़्यादा मतलब जोर लगता है उठाने में या कुछ चोट वगैरह लग सकती है, तो वो मुझे ये बोलती है। फिर मैं बोलता हूँ कि माँ ऐसी बात नहीं है, अगर मैं कम उठाऊंगा तो फिर ज़्यादा दूसरे वाले ज़्यादा उठा लेंगे, फिर वो ज़्यादा दूर फेंक देंगे। हरियाणा में वैसा ही ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि भाई 10 किलो घी दे दो, 50 किलो घी दे दो, या फिर लड्डू दे, मतलब देसी घी जो होता है कि भाई कोई भी बोल दिया कि हाँ मैं 50 किलो घी दूंगा नीरज को। काफ़ी चलता रहा है शुरू से, और मैं बचपन से मैं देखता आया हूँ, तो ये जो सर्कल कबड्डी होती थी या कुश्ती होती थी जो मिट्टी वाली, उस टाइम पे ये चीज़ें बोलते थे। गांव के लोग यही चीज़ देते हैं, और इसी को क्योंकि घी को यही मानते हैं ना कि घी खा के पावर बढ़ती है, और मतलब बहुत ज़्यादा खा के एक्सरसाइज करेंगे, तो वो चीज़ काफ़ी उससे जुड़ी हुई है। तो भैंस वगैरह भी गिफ्ट करते हैं, या फिर कोई ज़्यादातर उनमें कबड्डी कुश्ती में उसमें बुलेट या ट्रैक्टर ऐसी चीज़ें गिफ्ट होती हैं, पर मुझे तो ऐसा मतलब वही मिला है कि घी दिया था किसी ने शायद। ज़्यादातर ट्रैक इवेंट्स का मुझे लगता है कि ट्रैक इवेंट्स का रीज़न वही है कि ट्रैक नया बन रहा है, नए नए स्पाइक्स बनाए जा रहे हैं, मतलब स्पोर्ट्स साइंस काफ़ी इसमें आ गया है, और यह है कि जेवलिन भी अभी ग्लोबली स्पोर्ट बन गया है और काफ़ी कंपटीशन ऑल ओवर एथलेटिक्स है। और जेवलिन की तो बात करें तो बहुत ही मुझे लगता है कि ओलंपिक हिस्ट्री का सबसे खतरनाक कंपटीशन था ये, और बिल्कुल अगर पेरिस टोक्यो वाली थ्रो लगाते तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे, तो वो भी पिछली बार से हमने इम्प्रूव किया। लिए बोलना चाहूँगा कि जो एथलेटिक स्टेडियम था वो अमेजिंग था सच में, मतलब इतनी भीड़ और इतना भरा हुआ स्टेडियम मैंने पहले ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया। जब आप स्टार्ट करो, जैसी भी फैसिलिटी आपके पास है, आप दिल से वर्कआउट करो, क्योंकि सबसे मेन जो चीज़ है आपकी डेडिकेशन और आपकी मेहनत है।
लगता है कि ऊपर वाले के पूरी छोड़ना पड़ेगा अपना, बस मेहनत करो, बस अपना तगड़ी तैयारी करो और बस झटका मार दो, जहां जानी है चली जाएगी। क्योंकि ये 90 मीटर हो कि इतना हो गया अभी, कि मुझे लगता है कि बस अभी छोड़ दो ऊपर वाले के ऊपर। जो भी अभी अगले 2-3 कॉम्पिटिशन में खेलने वाला हूँ, मैं आराम से खेल लूंगा और अपना पूरा एफर्ट लगाऊंगा, लेकिन मैं फोकस करूंगा, जो ट्रेनिंग करूंगा वो मैं, जो कमी थी मेरी अभी तक के उसमें, मैं उन पे बहुत ज्यादा और ज्यादा फोकस करके काम करूं। और बस फिर अभी जो भी लगनी है, अभी बस 2-3 कॉम्पिटिशन अपने पास इस साल के, तो उनके ऊपर छोड़ दिया मैंने।